इन सब को निकाल के अब सबसे पहले हम बॉईल कर लेते हैं। एक चम्मच नमक डालेंगे और दो चम्मच ऑयल डालेंगे और इस पानी को गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से उबाल लेंगे जब तक ये गल ना जाए। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, ये तकरीबन 4 चम्मच ऑयल है। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, और इसको गोल्डन कर देंगे। लहसुन व्यूअर्स हो चुका है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने रेवा रेवा करके रखा है। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब हम इसमें मटर डालेंगे। अब हम इसमें रेड येलो ग्रीन बेल पेपर डाल देंगे। और इसको अच्छे से भून लेंगे। हमारी मैक्रोनी उबल चुकी है, उसे चेक कर लेते हैं। ये उबल चुकी है, अब इसमें ठंडा पानी ज़रूर ऐड करें क्योंकि ये जुड़ जाएगी जब तक हमारा मसाला रेडी होता है। इतनी देर में ये ठंडी हो जाएगी। मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं कोई और मिर्च नहीं डालूंगी, सिर्फ ये चिली सॉस डालूंगी। और विनीगर डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दें। और हम केचप डालेंगे। ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको मैक्रोनी में मिक्स करेंगे। और इस मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें व्यूवर्स, बिल्कुल अलग अलग नूडल मैक्रोनी बहुत मज़े की तैयार हुई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बच्चों की पसंदीदा डिश है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं।
आपको मेरी ये डिश पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।